दोस्तों स्वागत है आपका इस हफ्ते के ऑटो न्यूज में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पोर्शे इंडिया ने अपनी नई जो कायन आने वाली है उसकी बुकिंग्स चालू कर दी है एंड इसकी जो डिलीवरीज है अराउंड जुलाई 23 से चालू होगी। सो ये जो 2024 की जो मॉडल है इसमें काफी सारे अपडेट्स आए हैं। नया फ्रंट में आपको मैट्रिक्स एलईडीज आता है, फ्रंट फेस भी काफी सारा इंप्रूवमेंट किया है, वहां पर काफी एग्रेसिव लगता है। रियर प्रोफाइल में भी काफी चेंजेस है, जैसे आपको एक नया एलईडी टेल लैंप का क्लस्टर दिखेगा विद एलईडी बार। इंटरनेशनली ये तीन मॉडल्स में आता है, एक है एस, एक है ई हाइब्रिड एंड एक टर्बो जीटी वेरिएंट। इंडिया में मोस्टली ई हाइब्रिड और एक टर्बो जीटी वेरिएंट आ सकता है। जो टर्बो जीटी है उसमें आपको एक 4 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन आता है V8 एंड जो ई हाइब्रिड का जो मॉडल है उसमें आपको 3000 सीसी का इंजन आता है। दोनों भी काफी पावरफुल इंजन है। जो ई हाइब्रिड मॉडल है उसमें पेट्रोल इंजन के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी आता है एंड सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर पर ये 90 किलोमीटर तक चल सकता है। हार्ली डेविडसन की X500 रिवील हो चुकी है एंड ये जो बाइक है बेनेली लियोनचिनो 500 के ऊपर बेस्ड है, तो उसका काफी सारा इंस्पिरेशन आपको इसमें देखने मिलेगा। जैसे आपको फ्रंट में जो राउंड हेडलैम्प्स है, जो ओवरऑल इसका जो प्रोफाइल है काफी मिलता जुलता है लियोनचिनी 500 के साथ। हार्ली डेविडसन और चाइना बेस्ड क्यूजे मोटर्स है, वो दोनों ने मिलकर ये बाइक को बनाया है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बाइक। इंडिया में शायद दो वेरिएंट्स में आ सकते हैं ये, X350 एंड X500। अभी बस हमें देखना पड़ेगा कि कभी लॉन्च करता है हार्ली डेविडसन इसको। इसमें जो इंजन आएगा वही सेम ब्लॉक है जो बेनेली में आता है एंड ये बनाता है 47 BHP एंड 46 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक पावर, तो काफी अच्छा है। पैरेलल ट्विन इंजन है, काफी रिफाइंड भी है, हमने लियोनचिनो को चलाया है। MG ने अपनी कॉमेट EV को पूरी तरह से रिवील कर दिया है इंडिया के लिए एंड इसमें हमें पता चलता है कि जो पूरा डिजाइन है काफी मॉडर्न है, शायद पोलराइजिंग है, किसी को पसंद आए किसी को ना पसंद आए। ये जो गाड़ी है 3000 mm से भी इसका छोटा है ओवरऑल लेंथ, तो काफी छोटा गाड़ी है। 3-door कार रहने वाला है ये एंड इसका जो लुक्स है जैसे मैं आपको बोला था काफी पोलराइजिंग है। फ्रंट में भी आपको एक LED बार जैसा डिजाइन आता है, रियर में भी एक LED बार आता है टेल लैंप में। इंटीरियर में काफी सारे फीचर्स आते हैं, उसमें एक अच्छा खासा एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आता है इसमें, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ये सब बेसिक फंक्शंस तो रहता ही है। इसका जो पावर ट्रेन है वो है 17.3 किलोवाट आवर का, इसमें बैटरी पैक आता है एंड इसका जो ओवरऑल रेंज है अराउंड 230 किलोमीटर का रहेगा। इसका फुल वीडियो हमारे चैनल पर आने वाला है, फुल फर्स्ट ड्राइव रिव्यू, सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों टाटा अल्ट्रोज ICNG की बुकिंग चालू हो गए हैं एंड ये काफी एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है बिकॉज इसमें जो CNG सिस्टम आता है, डुअल टैंक सेटअप आता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो टैंक्स है वो बूट के नीचे प्लेस्ड है, तो आपको अच्छा खासा इसमें स्टोरेज आ जाता है, तो आपके जो वीकेंड ट्रिप्स है उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके साथ साथ इसमें काफी सारे चेंजेस है, जैसे फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है इसमें। अभी आपको अल्ट्रोज में फर्स्ट टाइम फ्यूल मीटर भी है, पेट्रोल मीटर भी है एंड एक CNG मीटर भी है। जो पूरा सिस्टम है LED सेटअप है पूरा एंड काफी सारा इन्फॉर्मेशन उसमें आता है। जो इंजन है वो वही 1.2 लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन रहेगा। ये मोटर जब CNG पावर में कन्वर्ट होगा तो पावर आउटपुट थोड़ा सा कम रहेगा। इसमें जो मॉडल्स आने वाले हैं वो है XE, XM प्लस, XZ एंड XZ प्लस, तो काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, आई थिंक काफी पॉपुलर रहने वाला ये गाड़ी। उसके साथ साथ ये गाड़ी को 5-star ग्लोबल NCAP रेटिंग भी आता है। इसमें एक अच्छा बात है कि टाटा मोटर्स स्टैंडर्ड 3-year का वारंटी देने वाला है, विच इज अ रियली गुड थिंग। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं भरना पड़ेगा फॉर द एक्सटेंडेड वारंटी। दोस्तों Volkswagen इंडिया ने अपनी वर्टिस और टाइगुन के नए वेरियंट लॉन्च किया है। टाइगुन में अभी आता है GT प्लस मैनुअल वेरियंट और GT DSG, विच मीन्स इट इज अ DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। उसके साथ साथ इसमें दो नए कलर्स भी एड किए हैं, विच इज कार्बन स्टील ग्रे एंड डीप ब्लैक पर्ल। पहली टाइम आपको टाइगुन में अभी ब्लैक कलर देखने मिलेगा। उसके साथ साथ उन्होंने दो स्पेशल मॉडल्स को भी शोकेस किया है, विच इज द ट्रेल वर्जन एंड द स्पोर्ट वर्जन। जो ट्रेल वर्जन है वो GT मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर बेस्ड है एंड जो स्पोर्ट है वो GT प्लस मॉडल के ऊपर बेस्ड है। उसके साथ साथ Volkswagen ने अपनी वर्टिस सेडान जो है उसकी भी एक नई वेरियंट लॉन्च की है, विच इज द GT प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन। अभी इसमें भी आपको एक नया कलर देखने मिलता है, विच इज लावा ब्लू एंड उसके साथ साथ डीप ब्लैक पर्ल भी आपको इसमें देखने मिलेगा। तो ये जो दोनों कलर्स है वो Volkswagen की लिमिटेड मॉडल्स रहने वाले हैं, विच विल बी लिमिटेड इन प्रोडक्शन एंड ये जो है जून 2023 से यू कैन स्टार्ट बुकिंग दीज कार्स। दोस्तों Hyundai ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV का नाम रिवील किया है एंड इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एक्स्टर। तो ये जो गाड़ी है ये राइवल करेगी टाटा पंच को एंड ये जो मॉडल है इट विल बी बेस्ड ऑन द i10 Nios प्लेटफॉर्म। तो ये जो गाड़ी जब आएगी मार्केट में तभी दिस विल बी अ टॉल बॉय प्लेटफॉर्म, टॉल बॉय SUV रहेगा ये एंड इसमें जो इंजन आएगा वही 1.2 लीटर इंजन रहेगा जो वेन्यू में आता है, ऑरा एंड i10 Nios में आता है। इसमें आपको कोई डीजल ऑप्शन नहीं आने वाला है एंड ये जो इसका जो प्लेसमेंट है वेन्यू के एक स्टेप नीचे रहेगा। सो वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच इसका प्राइस पॉइंट क्या रहेगा और गाड़ी एग्जैक्टली क्या रहने वाला है। दोस्तों Citroen ने अपनी एक C3 का एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लॉन्च किया है एंड दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द शाइन वेरिएंट। इसमें ऑलमोस्ट 13 फीचर्स आते हैं एंड उसमें से जो है काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसे इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, देन डे नाइट इंटीरियर IRVM, उसके साथ साथ आपको इसमें 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं, फ्रंट फॉग लैंप्स, रियर स्किड प्लेट एंड काफी सारे फीचर्स आते हैं।
इसमें कनेक्टेड टेक्नोलॉजी भी रहने वाला है। जो इंजन ऑप्शंस है वही 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है एंड 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आएगा इसमें। ये जो शाइन वेरिएंट है इसका कॉस्टिंग चालू होता है फ्रॉम 7.6 लाख एक्स शोरूम। जो अगला न्यूज है वो भी सिट्रियन की तरफ से है। सिट्रियन ने C3 एयरक्रॉस को थोड़ा सा टीज किया है। जो टीजर है उसमें हमें पता चलता है कि वही प्रॉपर सिट्रियन का जो डिजाइन लैंग्वेज है, हेडलैम्प्स का जो डिजाइन लैंग्वेज है, वही चीज इधर भी फॉलो होने वाला है। ये जो गाड़ी है ये राइवल करेगा किया सेल्टोस, ह्यूंडई क्रेटा एंड बाकी सारे जो बी सेगमेंट के एसयूवीज है उनको राइवल करने वाला है। अभी इसमें जो इंजन है अभी तक पता नहीं कौन सा इंजन आएगा, बट हमें लगता है कि जो 1.2 लीटर का टर्बो इंजन है वही सेम इंजन इसमें यूज होगा, बट एक अलग टाइप का ट्यूनिंग रहेगा इसमें। जो फीचर लिस्ट है वो भी काफी वास्ट रहेगा शायद, बिकॉज जो इसके राइवल्स है उनमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के नए एडवांस्ड फीचर्स आते हैं। इसमें भी यू कैन एक्सपेक्ट डुअल स्क्रीन सेटअप हो सकता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी रह सकता है, पैनोरामिक सनरूफ रह सकता है। वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। दोस्तों कुछ दिनों पहले यामा इंडिया ने इवेंट रखा था, डीलर इवेंट रखा था, जहां पर उन्होंने अपने जो बड़े बाइक है उसको शोकेस किया था एंड जो बाइक शामिल थे वो थे R3, MT03, R7, MT07 और R1 एंड काफी सारे ऐसे बाइक्स। एंड अभी हमें पता चला है कि कोई कोई डीलर्स है उन्होंने अनऑफिशियली बुकिंग्स चालू कर दिया ये बाइक्स का। यस, तो ये जो डीलर्स है 5000 से 20000 रुपीज तक बुकिंग अमाउंट ले रहे हैं एंड वील जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच कि कभी आएगा ये बाइक्स। आई थिंक पहले R3 MT03 आ सकता है एंड ये जो बाइक है हमें ऑलरेडी पता है पैरेलल ट्विन इंजन आता है इसमें एंड ये बनाता है 42 BHP एंड अराउंड 29 Nm ऑफ टॉर्क। काफी अच्छा इंजन है ये एंड वी आर रियली ईगरली वेटिंग फॉर दीज बिग बाइक्स इन इंडिया। ये जो R3 और MT03 है इनके राइवल्स रहेंगे KTM RC390, ड्यूक 390, BMW G310, सो ऑल दीज 300-400 cc के जो बाइक्स है इसके राइवल्स रहने वाले। दोस्तों BSA ने इंडिया में तीन गाड़ियों का नाम ट्रेडमार्क किया है, वन इज लाइटनिंग, वन इज थंडरबोल्ट और एक जो बाइक है उसका नाम होगा बैंटम। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसको पता नहीं है, BSA एक ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड है। 60s और 70s के टाइम पे बहुत पॉपुलर थी ये बाइक, कैफे रेसर्स एंड स्पोर्ट बाइक्स एंड जो टू स्ट्रोक बाइक्स है इनके काफी ज्यादा पॉपुलर थे। जो लाइटनिंग और थंडरबोल्ट है ये दोनों भी 650 सीसी के बाइक्स है एंड इसमें आपको पैरेलल ट्विन इंजन आता है। लाइटनिंग जो है एक कैफे रेसर काइंड ऑफ बाइक है एंड थंडरबोल्ट जो है वो एक प्रॉपर क्रूजर बाइक है। तो अगर समझो ये इंडिया में लॉन्च हुआ तो ये राइवल करेगी रॉयल एनफील्ड के जो 650s है, जो कॉन्टिनेंटल GT, इंटरसेप्टर एंड मीटियोर 650, ये सबको ये राइवल करेगी। इनफैक्ट ये दोनों बाइक्स लाइटनिंग एंड थंडरबोल्ट। जो तीसरा जो ट्रेडमार्क है विच इज बैंटम, ये काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये जब लॉन्च हुआ था यूके में तभी ये एक टू स्ट्रोक बाइक था एंड इसमें आपको 125 cc, 150 cc, 175 cc के इंजन देखने मिलते थे। इंडिया में जब ये आएगा ऐसे स्पेकुलेशन है कि जो जावा और ESD के जो हार्डवेयर है वही सेम हार्डवेयर इसमें यूज होगा एंड ऑब्वियसली अभी ये एट दिस पॉइंट इट विल बी अ 4-स्ट्रोक बाइक। बस हमें देखना पड़ेगा कि BSA ये तीनों बाइक्स को कैसे और कभी लेके आता है। दोस्तों हीरो एक्सट्रीम 160R का एक स्पाई शॉट आया है एंड उसमें हमें पता चलता है कि उसमें USD फोक्स लगे हुए हैं। सो फ्यूचर में ये बाइक इंडिया में लॉन्च होगी एंड इसमें अपसाइड डाउन फोक्स आएंगे। जस्ट कुछ ही दिन पहले बजाज ने अपनी NS160 को लॉन्च किया था एंड उसमें भी ऐसे टाइप का हार्डवेयर अपग्रेड किया था। बस अभी हमें देखना पड़ेगा कि हीरो अभी इसको कभी लॉन्च करता है और फीचर्स में क्या क्या और अपडेट्स और चेंजेस लेके आता है। ये जो बाइक है ऑलरेडी काफी फीचर लोडेड है, LED हेडलैम्प्स आते हैं, LED टेल लैम्प्स आते हैं, हैजर्ड लाइट का फंक्शन आता है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इसका वेट सिर्फ 138 kg है फॉर द ड्रम ब्रेक वेरिएंट आई एम सेइंग। तो काफी लाइट वेट बाइक है एंड काफी रिफाइंड है। तो बस देखना पड़ेगा हीरो इसको कभी लॉन्च करता है और क्या क्या अपडेट्स के साथ लॉन्च करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।